अररिया के जोकीहाट में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आपदा मंत्री शाहनवाज आलम ने कवायद तेज कर दी है। इस बाबत समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी है। पहले पलासी प्रखंड और अब जोकीहाट ब्लॉक में मैराथन बैठक कर हर एक विभागों की स्थिति से रूबरू हुए हैं। आइए जानते हैं माननीय मंत्री अपने गृह ब्लॉक में दिन भर क्या क्या किए हैं। जोकीहाट ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई। महिला डॉक्टर की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई है। जोकीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 डॉक्टर्स तैनात हैं। ओपीडी में 35 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होने की जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव ने दी है। वहीं अवैध नर्सिंग होम की समस्या से मंत्री को अवगत कराया गया। मंत्री ने मसूरिया और चकई उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। दिन भर चले समीक्षा बैठक में अंचल ऑफिस और स्टाफ की कारगुजारी का मामला उठा। दाखिल खारिज से संबंधित पेंडिंग मामले पर मंत्री ने नाराजगी जताई और जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया। वहीं परिमार्जन, मोटेशन, लगान रसीद में लेट लतीफी और अवैध उगाही का भी मामला छाया रहा। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर एमओ को कई दिशा निर्देश दिए गए। पूरे प्रखंड में राशन कार्ड से संबंधित 12,000 मामले पेंडिंग है, जिसे मंत्री ने अविलंब खत्म करने की हिदायत दी है। जोकीहाट आईसीडीएस के क्रियाकलापों की मंत्री ने सीडीपीओ से जानकारी ली है। पूरे प्रखंड में 298 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें 31,690 बच्चे नामांकित हैं। सभी बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं ससमय देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली विभाग के कार्यों की भी मीटिंग में जानकारी ली गई है। स्थानीय विधायक ने फर्जी बिलों का मामला दूर करने का निर्देश दिया है। अब बारी आई पीएचईडी विभाग की। समीक्षा के दौरान प्रखंड के अधिकांश वार्डों में नल का जल उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई, जबकि 351 वार्डों में सप्लाई वाटर देने की बात सामने आई, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे झूठ करार दिया है। इसके अलावा यूरिया की किल्लत की शिकायत भी मंत्री के सामने आई, जिस पर कृषि पदाधिकारी को साफ लफ्जों में कहा गया कि जो भी दुकानदार मनमानी रेट ले रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मीटिंग में शिक्षा विभाग की कारगुजारी पर मंत्री सख्त दिखे। उन्होंने बीईओ को सख्त लहजे में कहा कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति हो रहा है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र होने के नाते मदरसों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर में मंत्री ने कहा कि यह उनकी पहली समीक्षा बैठक है, अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की जाएगी। इस मामले में कोई कोताही न बरतने की हिदायत दी गई है। जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय में सभी विभागों को लेकर समीक्षा बैठक, किन विभाग में क्या काम चल रहा है, चाहे रोड में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बिजली में हो, सबकी अद्यतन स्थिति लिया और सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको हम लोग आमजनों तक कैसे सरल भाव में आम लोगों तक पहुंचाया जाए उसके लिए दिशा निर्देश दिया है। जो भी योजनाएं आम लोगों के लिए है वो लोगों तक पहुंचे। सर, डॉक्टर लगातार फर्जी नर्सिंग होम पे जांच कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। उसका भी निर्देश दिए हैं, आने वाले में दिनों में देखेंगे आप, जो भी फर्जी क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम है उन पर कार्रवाई अवश्य होगी।